वीडियो में मैंने और दीपक ने आपको बताया ही था अबाउट हिटलर और नाजी सिंबल और नाजी आर्मी के बारे में। उस जर्मनी एक ऐसा देश जहां पर लोगों को बोला जाता है कि बहुत रूड है, जहां पर आपके बच्चों का नाम जो है वो अलाउड नहीं है रखना, टाइप्स ऑफ बियर हैं कि हमें शायद काउंटिंग भी नहीं कर सकते, ऐसी जगह जहाँ पर जो गाड़ी चलाने की स्पीड है वो अनलिमिटेड है। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और मैं आपको जो कि टाइटल देख के समझ में आ ही गया है, यूरोप का सबसे अमीर देश के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो सुन के आपको बहुत शॉकिंग लगेगा और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जर्मनी एक ऐसा देश जहाँ पर लोगों को बोला जाता है कि बहुत रूड है, जहाँ पर आपके बच्चों का नाम जो है वो अलाउड नहीं है रखना कुछ नाम, जो ऐसी जगह जहाँ पर इतनी टाइप्स ऑफ बियर हैं कि हमें शायद काउंटिंग भी नहीं कर सकते, काउंटिंग कर सकते हैं बट बियर के लिए वो बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर जो गाड़ी चलाने की स्पीड है वो अनलिमिटेड है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आती हूँ लोगों के ऊपर। यहाँ बोला जाता है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रूड हैं, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जैसे हिंदी में बोला जाता है मुँहफट जो हैं ये लोग सामने हैं, अगर अच्छे हैं तो सामने हैं, बुरे हैं तो सामने हैं, जो भी इन्हें कहना होता है ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, हमारे उन्हें मुँहफट बोलते हैं, पर यहाँ पर इन लोगों को बहुत रूड माना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूड होते हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं अगर ये दोस्त बन जाएं। वैसे तो बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही बचपन से होते हैं, किंडरगार्टन से होते हैं, पर अगर ये फ्रेंड्स बन जाएं तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो साबित होते हैं। अब ये बात जान के हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर 16 साल में बच्चों को वाइन और अल्कोहल पीना जो है वो अलाउड कर दिया जाता है या लीगल है वो पीना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि दारू पीना जो है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, पर यहाँ के लोगों को 16 साल से ये सब अलाउड है। तो बच्चे जो होते हैं वो बियर और वाइन जो है वो 16 साल से ही पीना चालू करते हैं। इसका मतलब क्या है मैं और आपको इसके डिटेल्स में बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा जो हैं वो बियर हैं, बहुत टाइप्स ऑफ बियर हैं, और कुछ स्टेट्स में बियर को जो है वो बेसिक जैसे पानी होता है वैसा माना जाता है, लाइक बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, तो यहाँ बियर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से बाकी सारी कंट्रीज़ में 18 साल में अलाउ करते हैं पर यहाँ पर 16 साल में अलाउ कर देते, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। जर्मनी जो है वो यूरोप का सबसे अमीर देश है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ, पर यहाँ पर 9 ऐसी नेबरिंग इनकी कंट्री है, 9 नेबर्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे आपको सुनने में, जैसे स्विट्ज़रलैंड हुआ, पोलैंड हुआ, नीदरलैंड हुआ, एंड और कौन सी है दीपक, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, मतलब ऐसी फ्रांस, डेनमार्क, ऐसी कंट्री जो आसपास घिरी हुई है। तो जर्मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है ऐसी कंट्रीज़ से जो हम लोगों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर आप यहाँ पर जर्मनी में कभी भी आ रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, जैसे आपने दिल तो पागल है मूवी ज़रूर देखी होगी, वो जो शूटिंग हुई है वो यूरोपा पार्क में शूट हुआ है तो आप वो ज़रूर देखना। बर्लिन जो है वो बहुत खूबसूरत है, हैम्बर्ग जो है वो बहुत खूबसूरत है, कोलोन के जो कैथेड्रल हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, यहाँ देखने लायक हैं। इसके अलावा हाइडलबर्ग, मैंने उसका वीडियो बनाया है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह जो आपको ऑफकोर्स मेरे वीडियोस में दिख जाएगी, पर ये कुछ जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलर्स जो हैं इसे रिकमेंड करते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगी कि एक्सपोर्ट लाइक कार एक्सपोर्टर जो है वो जर्मनी सबसे बेहतरीन है, लाइक सबसे ज़्यादा है, पर उसके अलावा जो सबसे महंगी कार हैं जो हम लोगों ने सुनी है, जैसे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज़, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू,
ये सारी जो है वो यहीं की कंपनीज़ हैं, मतलब यहीं से ओरिजिनेट हुई हैं, उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो यहीं पर है। और आपको ये बात जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो और आपने किसी टैक्सी को बुलाया, जैसे ओला उबर होती है ना हमारे यहाँ, तो वो मर्सिडीज़ ही आएगी, तो आपकी जो ट्रिप होगी वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस ट्रिप होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी सबसे मैक्सिमम जो टैक्सीज हैं वो मर्सिडीज़ की हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ी जो है वो आ जाती हैं आपके लिए अगर आप टैक्सी बुक कर रहे हो जर्मनी में। अगर आपको ये बोले कोई कि जर्मनी में ऐसे कोई हाईवे हैं जहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो है ही नहीं कुछ, तो आपको शॉकिंग लगेगा क्या? हाँ, जब मैं आई थी मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था। यहाँ पर टर्म होता है ऑटोबान, जो कि हाईवेज होते हैं जहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी चला सकते हो, और वो चलाने के बाद भी यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रूल्स हैं, और आप कुछ भी गलती जो है वो करोगे तो आप या तो जेल में जाओगे या आपको बहुत तगड़ा फाइन देना पड़ेगा। तो इसलिए सब लोग सब कुछ फॉलो करते हैं, और नो स्पीड लिमिट के बावजूद भी, गाड़ियां बहुत स्पीड में चलने के बावजूद भी यहां पर एक्सीडेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होते। वीडियो में मैंने और दीपक ने आपको बताया ही था अबाउट हिटलर और नाजी सिंबल और नाजी आर्मी के बारे में, उसी से रिलेटेड है ये। यहाँ पर जो नेशनल एंथम है वो पूरा नहीं गाया जाता जर्मनी में, क्योंकि ये नाजी आर्मी के टाइम पे बना था, तो इसलिए फर्स्ट जो कुछ लाइंस है वो छोड़ के गाया जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात थी जब मुझे यहाँ पता चला। उसी से रिलेटेड है दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर आपको ये बोला जाए कि यहाँ की फेवरेट ड्रिंक जो है वो कोको कोला नहीं है, तो आपको शॉकिंग लगेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कोको कोला जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है फेंटा, वो इसलिए क्योंकि जब वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे कोको कोला जो है वो बैन कर दी थी, उसके बाद फेंटा के बहुत सारे कैंपेन चलाए थे वो ऑरेंज और वो सारे कलर के, तो उसके बाद जो है वो फेंटा जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, और ऑफकोर्स फेंटा लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों के लिए बर्थडे सबसे पहले विश करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है ना, कि हम लोग पहले से ही बर्थडे विश कर देते हैं। अगर हमारा बर्थडे कल हो तो हमारे जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंस फील कराने के लिए पहले ही विश कर देते हैं। मुझे याद है मैं वेटिंग लिस्ट में रहती थी अपने बहुत अच्छे दोस्तों को विश करने के लिए, या एक दो मिनट पहले ही कॉल कर देती थी 12 बजे के। पर अगर आप जर्मनी में ऐसा करोगे तो ये बहुत ही बुरा माना जाता है। इन लोगों के लिए पहले विश करना मतलब होता है अनलकी, बहुत ही अनलकी मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो मैंने सोचा था कि शायद, मतलब मुझे जब मैंने सुनने में आया तो मुझे लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, पर ये देश ऐसा ही है। तो बर्थडे विशेस करना जो है पहले से ही एडवांस में बहुत ही अनलकी है यहाँ पर। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, या बच्चों के लिए, अगर बच्चे ये बात सुनेंगे कि बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं, उससे पहले जब वो पहली बार जाते हैं तो उनके बैग में रखते हैं बहुत सारे खिलौने उनके पेरेंट्स या उनके जान पहचान वाले, और वो इसलिए बोला जाता है या वो इसलिए करा जाता है, उसको बोलते हैं कि सेलिब्रेट करना बिफोर सीरियस लाइफ। लाइक सीरियस लाइफ जो है वो स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले सेलिब्रेट करने के लिए थिंक अबाउट दैट कि आपके बच्चों के बैग में, या आप अगर पहली बार स्कूल में जा रहे हो तो आपके बैग में सिर्फ खिलौने ही खिलौने हैं, कितनी अच्छी बात है। पर ये यहाँ पर जर्मनी में होता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने ये बोला था कि यहाँ नाम रखना जो है वो अलाउड नहीं है, वो मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि आप अपने बच्चों का नाम इजी रखो। कितनी अच्छी बात है ना कि कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं रखना, आपके बच्चों का नाम वो बोलती है कि इजी रखो। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के नाम या तो पीटर होते हैं या माइकल होते हैं, जो यहाँ पर पेटर बोलते हैं, पर या तो पेटर होते हैं या फिर माइकल होते हैं। जर्मनी जो है, मैं आपको एक बात बताती हूँ इंटरेस्टिंग, जब भी हम लोगों को कहीं भी जाने का मन होता है आजकल वीकेंड्स पे, तो हम बोलते हैं चलो यार फॉरेस्ट में चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जर्मनी का जो 1/3 एरिया है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो आप कहीं पर भी रह रहे हो आपका जो फॉरेस्ट एरिया होगा वो आसपास ही होगा। जैसे यहाँ जो दिख रहा है वो सारा फॉरेस्ट एरिया है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुक्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ पर सबसे पहली जो मैगज़ीन है वो जर्मनी में ही बनी थी, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और आपको हर दूसरा इंसान कहीं पर भी बैठा हुआ जो है वो बुक्स पढ़ते दिखता जाएगा, तो ये लोग बुक्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं।
अब मैं आती हूँ खाने के बारे में। अगर आपको नॉन वेज पसंद है और आपको सॉसेसेस पसंद है तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशनेस मतलब फूड मतलब फ्रेशनेस, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश खाना होता है और बहुत ही ज़्यादा रॉ मीट होता है, मतलब रॉ खाना होता है। जर्मनी को कार्टोफिल लैंड भी बोलते हैं, आलू मतलब आलू का दुनिया भी बोलते हैं, आलू का देश भी बोलते हैं। यहाँ पर आलू की भी बहुत सारी डिशेस होती हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि हर डिश के साथ एक बियर या वाइन ज़रूर ये लोग पीते हैं। और मैं खाने के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ब्रेड्स नहीं भूल सकती हूँ। इनके पास है 300 से भी ज़्यादा प्रकार की ब्रेड्स जो ये लोग डेली खाते हैं, शायद ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, जब भी इनको टाइम मिलता है तब खाते हैं। अदर देन जो फ्रेश खाना है उसके अलावा ब्रेड्स जो है इनका डेली खाना है, जैसे हमारे लिए रोटी दाल चावल, वैसे इनका खाना जो है वो ब्रेड्स है। आई होप आपको यूरोप के सबसे अमीर देश जो कि जर्मनी है उसके बारे में जानकर अच्छा लगा। मैं हूँ इंडियन सुरभी जो कि जर्मनी में रहती हूँ, और मैंने इतने टाइम रह के सोचा कि आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँ जर्मनी के बारे में, ताकि आप जब यहाँ पर आओ या तो गलती मत करो पहले से विश करने की, या अपने बच्चों के नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, या फिर अगर कोई रूडली आपसे बात करे तो आपको ये ना लगे यार ये इंसान जो है वो कितना रूड है। और आपको जो भी पॉइंट सबसे अच्छा लगे वो ज़रूर नीचे कमेंट करो, और ऐसे इन्फॉर्मेशंस और चाहते हो जर्मनी के बारे में और फैक्ट्स जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको इसका नेक्स्ट वर्जन ज़रूर जल्दी लेके आऊँगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।